आवाज आते हैं इधर स्टार्ट कर दिया एकदम, क्योंकि अब यहाँ से चालू कर रहे हैं ना हम काम। अभी तक तो क्या है, मजाक उजाक चल रहा था कि पुराना हिसाब किताब नया पुराना क्या। तो यहाँ से मैं एक मेजरमेंट ले रहा हूँ उसके हैंड का, और इसको मैं ऐसे रोटेट करके रख देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रोक्स, इसको ऐसा करते हैं, एक मिनट, इसको मैं ये कॉर्नर पे रखा हुआ है शोल्डर के आसपास, और ये है रिस्ट का एरिया शायद, और इसको मैं एक्सट्रूड करके ऐसा रखता हूँ। तो ये फिंगर यहाँ तक कहीं तक आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे अंदर है, तो अगर स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे होगा, है ना, आसपास ऐसे होना चाहिए। तो ओवरऑल ये लेंथ हमारे पास है जो टी शेप में होगा अगर करेक्टर, तो यहाँ तक इसका लेंथ जाना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको अपने हिसाब से इधर उधर कर सकते हैं, इसको लेयर में डाल के बंद कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ ऐसे दिखता रहे बस। अब दूसरा, एज, और इस एज को पकड़ो, एक्सट्रूड डब्लू ब्रिज, इस शोल्डर का एरिया थोड़ा सा और नीचे कर ले रहा हूँ। तेजस, आपने जो किया था ना ये मिसिंग था आपका, है ना, जिसके वजह से वो क्या लग रहा था एकदम ऐसा। तो अगर जब आप ऐसा है तो शोल्डर थोड़ा सा डाउन रहेगा, पर जब आप उठाओगे तो ये भी टूटेगा ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, पर ये लाइन तो आना चाहिए। अब इसका जो हैंड का एरिया है ये मैंने फिक्स किया इधर, अब कुछ एज लगाते हैं फटाफट, कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, एक इधर एक इधर। राइट साइड इसका पोजीशन, यहाँ इसका पोजीशन, मतलब ये यहाँ से आर्म्स उसका निकलने वाला है, तो उसके लिए मैं फील्डिंग लगा रहा हूँ कि किधर से निकालना है। इतना रखते हैं, थोड़ा सा इस लाइन को मैं इस तरीके से रखता हूँ ताकि जब ब्रिग विग करे ना तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, हाथ उसका नीचे आए तो। दूसरा, इसको अगर ब्लॉकिंग के हिसाब से बनाओगे आप तो बनेगा, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो मेरे हिसाब से ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला है, बट आपका काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ से जाओ, इसको वही मैं बोल रहा हूँ, ब्लॉकिंग से कर सकते हो, कोई वो नहीं है, पर थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मैं सेट करते जा रहा हूँ फिर अब मेरे को फिर से ब्रिज ब्रिज ही करना है, समझ रहे हो। अगर आप ब्लॉकिंग करोगे तो ये सब डिटेल आपको फिर बाद में डालना पड़ेगा, तो मेहनत दोनों में ही है, पर इसमें क्या है ये बनते जाएगा, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पे आप जैसे अभी देखो यहाँ टी शर्ट है, ब्लॉकिंग के मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, एक दिन प्लेस को ना इसका कहानी खत्म कर देते हैं। पहले टी शर्ट अलग से नहीं कर रहा हूँ मैं, उसी पे कर रहा हूँ। टी शर्ट को अगर अलग से आपको करना है तो पहले फिर बॉडी पूरा बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके डुप्लीकेट फेस किया जाता है क्लॉथ बनाने के लिए। जनरली जैसे आपने बॉडी बना लिया, उस बॉडी को डुप्लीकेट फेस कर लो और उसी को थोड़ा सा स्केल करके एक्सट्रूड कर लो, हो गया अपना काम, हो जाएगा अपने। तो वो सेम उस सरफेस को पकड़ के रखता है,
तो आपको जहाँ पे जितना आपने उसमें डाला हुआ फीचर्स आपके बॉडी में अप डाउन जो भी है वो सब मिल जाता है आपको। प्रथमेश ये देख रहा हो ना, देख रहा। अब ये लाइन कहाँ पे जाना चाहिए सब लोग अपना अपना दिमाग लगा के बताएं। अब ये एक्सट्रूड करके मैं यहाँ तक ले आया हूँ, ये आपके इधर दिख रहा है साइड का है, ये एंगल दिख रहा है, ठीक। तो ये जाना कहाँ चाहिए, ऐसे सीधा लेके जाए, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे है, तो सीधे सीधे लेके जाए, ऐसे यहाँ से ऐसा बना दें। हाँ यहाँ से आएगा ये एरिया है ना, तभी तो स्प्लिट होगा, दोनों तरफ से एक एक पैर निकलेगा, तो सेंटर का एरिया है। तो एक्सट्रूड करो इसको इसी तरीके से, ऐसा राउंड, मैं टी शर्ट इसी बना रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर ले जाके फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके और फिर से ये टी शर्ट का एरिया बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अभी फिर से टी शर्ट आ गया, इसमें फिर दिख ही नहीं रहा कहाँ चला गया है, ब्लेंड हो गया एकदम। तो थोड़ा सा अपने को गेस करके ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ इसका लाइन ये रहेगा ना, देखते हैं कर लेंगे, इसका एक्सपोजर कम करेंगे तो पता चलेगा, 0.5 तब भी नहीं पता चलेगा। 1 मिनट बस इसको मर्ज कर दूँ फिर मैनेज करते हैं ना। तो ये हमने क्या बना दिया, डमी। एक तरीके से ये भी ब्लॉकिंग ही कह सकते हैं हम, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं पूरा वो एरिया कैप्चर कर रहे हैं। हाँ प्रथमेश अभी आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा आगे पीछे जो भी है तो वो अपने बाद में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब फिर से आ जाते हैं, जैसा मैंने पहले किया था ना सेम अभी भी वैसे ही करने वाले हैं, फ्रंट व्यू जैसा कि हमने फेस पे किया था एग्जैक्टली। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये तरीका अच्छा है या फिर बुरा है, जो भी है मेरे को लगता है कि इस तरीके से बनाएंगे तो जो हम बना रहे हैं वही बनेगा। थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, पर आपका जो करेक्टर है वो करेक्टर पूरा कैप्चर हो जाता है, मतलब जो फीचर्स हैं उसके आप प्रॉपर कवर कर सकते हो। और एक बार आपको सिर्फ यहाँ पे परेशानी होगी जब आप ब्लॉक कर रहे हो, उसके बाद तो सब ब्रिज ब्रिज। हाँ अच्छा आपके उधर ज्यादा काला दिख रहा है, मेरे इधर कुछ ज्यादा ही गोरा दिख रहा है। एक मूवी थी काला धंधा गोरे लोग, मूवी का नाम था काला धंधा गोरे लोग। तो पहले ऐसे ऐसे मूवी बनती थी, काला धंधा गोरे लोग, मतलब कवि की कल्पना देखो कितनी खतरनाक थी उसमें। खैर अब आ जाते हैं फिर से, जो मैंने यहाँ पे ये लिया ना अभी इसको, अभी ये आपका जो नीचे का क्या है पेंट है जो भी शॉर्ट्स है जो भी है, इसको अब इसको लेके आना है ऐसे करके, इससे मिला देना है। मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा ऐसा कुछ टफ जैसा कुछ है, तेजस ज्यादा कुछ ऐसा टफ लग रहा है क्या? हाँ
इधर तो मतलब वो एक बार आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ, फिर तो बाकी सब काम आसान है। इसको एक बार ऊपर की तरफ लेके चलते हैं ताकि थोड़ा सा ऐसा लगे कि अंदर की तरफ भी कुछ है। इससे फायदा ये कि आप जब ये रिग करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, डबल डबल मैश नहीं रहेगा, तो आप फटाफट उसको रिग कर पाओगे। तो अभी क्या करेंगे, मेरा सबसे फेवरेट टूल है ये, पता है, दो किनारों को मिला देता है, ये बात बहुत गहरी है। तो फिर इसको आप कितना एरिया जाएगा बाहर की तरफ, यहाँ से साइड वाले व्यू से आपको पता चलेगा कि ये आना चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक आना चाहिए। तो जहाँ तक जाएगा वहां तक पहुंचा देते हैं उसको, सेफ प्रॉपर मेंटेन रहे। एक आध एज इधर उधर अभी होगा, लगाना होगा या निकालना होगा, जो भी है हम वो करेंगे। ये जो टेक्निक है ना, इससे आपको एहसास भी नहीं होगा और काम आपका एकदम परफेक्ट होते जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा बाद में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखो जो जैसा हम बनाते जा रहे हैं ना, सब कुछ एकदम प्रॉपर चलते जाएगा। अब इसके बाद अपने को क्या है, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब क्या करना है, सिर्फ ब्रिज ब्रिज करना है। तो सबसे पहले इधर आ जाते हैं, ये एरिया फिल होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है कि ये प्रॉपर आए, और यहाँ पे इस एज के लिए एक एज और चाहिए। तो जैसा हमने यहाँ पे ऊपर करके रखा हुआ है, एक और एज लगा देते हैं इधर और इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये इसके साथ हो जाएगा। बस कहानी चालू, ब्रिज दो डिवीजन है, दो कर दिया हमने। फ्रंट व्यू पे आ जाओ, ये सर्कल जैसा होना चाहिए, तो सर्कल भी कर लिया हमने। उसके बाद इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। नेक्स्ट, आप ब्रिज न करके इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हो, एक्सट्रूड कर लो इसको थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा ऊपर। ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये इसके साथ W, या फिर सीधे आप इसको टारगेट वेल्ड करो, पर उसके समझ में नहीं आया। ठीक, W, अब ये जो है ना एकदम ऐसा पैरेलल आना चाहिए। तो एक एज और मैं लगाता हूँ और इसको मैं इसके साथ सीधे अब यहाँ पे कम, ये लाइन बहुत डेंस दिखेगा, जैसे इधर ज्यादा दिखेगा, इसको बाहर निकालो। देखो ऑटोमेटिक ये लाइन देख के समझ में आ रहा होगा आप कि अपना फ्लो कैसे जा रहा। इस एज को पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेते हैं ताकि पता चलते रहे कि कहाँ का कौन सा एरिया है। W, अब फिर से फिल कर देंगे इधर। अब
किसको किधर लेके जाना ये थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, ये तो आएगा इधर ही, एक यहाँ अभी ये बीच में जो है ना इसको अभी साइड में रखो, जो मेरा फ्लो है उसी के हिसाब से मैं अभी लेके जा रहा हूँ, ये आ जाएगा इधर, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ, तो ये एक एज बच रहा है, इस एज को हम लेके आते हैं इधर ही, और इसको लेके जाते हैं इधर, ट्रायंगल आ गया जो कि नहीं आना चाहिए, इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, इसको कहाँ पे सेट कर सकते हैं हम, नहीं, हटाना नहीं, इतना यहाँ से इतना गैप हो जाएगा ना, अभी तो और लगाना पड़ेगा अपने को, इसको ऐसे लेके जाएं क्या, पर यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन, इसको ना पहले इधर ही लेके आते हैं, इसको उधर नहीं लेके जाएंगे, ठीक, यहाँ पे एक एज लगाता हूँ मैं, और इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव करके लेके जाता हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि जब ये रिग होगा ना तो यहाँ पे लूप ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए, तो इतना एक दो तीन लूप रहेगा तो प्रॉपर वो हाथ ऊपर नीचे होगा। अब इसके बाद अब सिचुएशन वही है, अभी कुछ बदला नहीं है, हम जहाँ पे थे वहीं पे हैं, अब सॉल्व करेंगे जहाँ पे भी सॉल्व करना होगा, तो अगर मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और इधर आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा शायद, ये ठीक है, अभी ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, थोड़ा थोड़ा मूव कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, इस एज को पहले इसको करते हैं डिटेच फ्लो, राइट साइड, अभी देख के आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा, देखो यहाँ पे कितना प्रॉपर हमने मैनेज किया था, तो थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि कुछ एज मैंने यहाँ से निकाल दिया, पर यहाँ पे बहुत इधर उधर हो गया, तो ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल लाइन चलना चाहिए ये भी, मॉडल आपका क्या बन रहा है उस पे ध्यान ना देके ना आप सिर्फ इस पे फोकस रखो कि ये जो लाइन इधर से उधर इधर की उधर जा रही ना, ये लाइन प्रॉपर होना चाहिए, जब ये प्रॉपर होगा तो ऑटोमेटिक आपका मॉडल सही दिखेगा, ना डेंट आएगा कुछ भी, पूजा नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने बताया ना वैसे ही बनाना, ठीक है, क्योंकि दूसरे तरीके से बनाओगी तो हो सकता है उससे अच्छा बना लो, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे से अच्छा बनाओ, ठीक, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने बनाया वैसे ही बनाओ आप, मतलब फर्स्ट टाइम आप वैसा बनाओ, उसके बाद फिर आप फ्री हो आराम से बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मॉडलिंग आप करोगे ना तो आपका खुद का एक तरीका हो जाता है, समझ रहे हो, आपका एक स्टाइल बन जाएगा कि इस तरीके से मॉडलिंग अपना एक आदत में आ जाता है, जैसे मेरा ये तरीका है कि मैं चीज़ों क्या करता हूँ, पहले ब्लॉक कर लेता हूँ, उस एरिया को फिक्स करता हूँ, उसके बाद में फिल करता हूँ, ऐसे आप भी जब ज़्यादा मॉडलिंग करते करते एक समय आएगा कि आपका खुद का एक तरीका हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में आपको जब आप लर्निंग फेज पे हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल वे है, क्योंकि मैं हर तरीके से मॉडलिंग अप्रोक्स कर चुका हूँ, ब्लॉक करके पर्सपेक्टिव में इधर उधर, मतलब बहुत सारे तरीके मेरे को पता है, जिसमें से सबसे सुंदर और सस्ता तरीका मेरे को ये लगता है, जिसमें ज़्यादा दिमाग पे लोड भी नहीं जाता, आप बस एक फ्लो है उसको फॉलो करते रहो, साइड का लाइन फ्रंट से इधर साइड का और इधर से साइड का, दोनों तरीके से हमने क्या किया, इधर से उसको कैप्चर किया और इधर से कैप्चर किया, तो अगर आप रिफरेंस फ्रंट और साइड का ले रहे हैं तो इसीलिए तो ले रहे हैं ना, ताकि हम उसका वॉल्यूम पा जाए, तो अपने पास वो तरीका है, इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपका जो करेक्टर है जो आप बना रहे हो वही बनेगा, इसकी तो गारंटी है, अगर आप दूसरे किसी टेक्निक से बना रहे हैं तो हो सकता है कि पड़ोसी भी बन जाए जिसको हम बनाना नहीं चाहते, है ना,
पता चला, बाद में पता चला अरे यार ये तो नहीं करना चाहते थे हम। खैर चलो इसको फिर से ब्रीच कर देते हैं। अपने पास 3 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3, सही है। अब देखो ये सही है क्या, कहाँ जाना चाहिए मुझे, ये लाइन किधर लेके जाऊँ मैं, यहाँ से बताओ एक्सेस में कौन सा एक्सेस मिल जाएगा। हाँ इधर से जी में जाता है साइड से, हमेशा याद रखो, और इधर से एक्स में जाता है फ्रंट से। ये जी में गया, और अगर फ्रंट में आएंगे तो ये किस में जाएगा, एक्स में, क्योंकि अब ये यहाँ पर डेंस ना दिख के अब इधर डेंस दिखे, क्योंकि अभी हम फ्रंट में हैं, वो हम साइड व्यू में थे। तो ऑटोमेटिक देखोगे ना एकदम राउंड शेप आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिल इंटर 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 यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हाथ निकालना होता है तो, कि कहाँ से निकलेगा कैसा जाएगा फ्लो। पर जैसा भी किया ना मैंने, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब फ्लो सेट है, प्रॉपर लूप सेट है, बस आपको यहाँ से एक्सट्रूड कर लेना है, हाथ निकल गया जाएगा बाहर। चलो थोड़ा सा इधर भी आ जाते हैं, ये कंटिन्यूटी में रहेगा तो एक और एज लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे W। पर इस बार पता है गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, जबरदस्ती आप किसी भी मतलब राय चलते हुए किसी भी पर्सन के ऊपर आप कलर वलर नहीं डाल सकते, और सही भी है, जो नहीं लगाना चाहता उसको जबरदस्ती क्यों लगाते हो भाई, अब जय की इच्छा नहीं है मत लगाओ उसके ऊपर। यहाँ पे तो मेरे को लगता है कोई अगर आपको कलर लगा दे तो बड़ा भाग समझना चाहिए, अगर कोई हमारे साथ होली खेल रहा क्यों, किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना। जैसे मैं ही अभी पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे होली अच्छी मनाई जा सकती है, क्योंकि मैं इस बार कहीं जा नहीं रहा हूँ, घर नहीं जा रहा हूँ, तो
मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ। वर्सोवा, चलो तो फिर वर्सोवा या तो फिर मरीन लाइन, दोनों में से एक का प्लान बनेगा। चलो खरीदार भी ध्यान रहे, ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ पे थोड़ा सा ये जगह कायदे से, ये जो एज है ना, ये आना चाहिए यहाँ पे, जब आना चाहिए तो यहीं पे ले आते हैं इसको। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, देखते हैं किधर किधर मर्ज कर सकते हैं। इसको मर्ज कर देंगे इसके साथ, और इसको अगर मर्ज कर देता हूँ मैं इसके साथ तो ये अभी सही जा रहा। इस एज को फिर से हटा देता हूँ मैं, या तो इसको इधर लेके चलें या फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि इसको इधर की तरफ लेके जाओ, इसको इधर लगा दो, ये आपका 4 एंगल हो गया। तो इधर ये भी सॉल्व हो गया, कंट्रोल एस। अब आ जाते हैं, अब बहुत फटाफट हो जाएगा। इसको लेके आते हैं इधर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, इतना नहीं होना चाहिए, एक एज तो चाहिए। इसको एक बार राइट साइड से एक्सट्रूड करके यहाँ पे रख लेते हैं। और ये मर्ज हो जाएगा इसके साथ, एक और एज लगा रहा हूँ मैं इसके हिसाब से कि ये यहाँ पे आ जाएगा। और इस एज को मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ अभी, इसको इसके साथ ब्रिज मल्टी कट, ये आ जाएगा इधर। ये क्या है, अच्छा सॉरी, W1, एक एज इधर, एक एज इधर। अभी एज हम इस पे और बढ़ाएंगे, फिलहाल के लिए अब उसको बस एक आमने सामने से रखते चलते हैं। इसको भी जी 5, तो ये भी इधर फिल हो गया। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग कहाँ, इधर ब्रिज डिविजन्स। अभी इसको आप ऐसे देखोगे ना तो यहाँ से दिख रहा होना कैसे चाहिए, ऐसे राउंड चाहिए ना, तो आप इस व्यू से भी आगे कर सकते हैं। एक बार आप इधर से सेट कर लें यहाँ से इधर, या फिर आपको लगता है तो आप ज़्यादातर ना ट्राई ये करो ना पर्सपेक्टिव में काम करने का, तो एक बार ये आदत आपको लग गई ना तो अपना काम सेट है फिर। क्योंकि ज़्यादातर जो भी आप टेस्ट देने जाते हो वो ऐसे ही कुछ आता है, 1/3 पर्सपेक्टिव में ही मॉडल करना रहता है, घुमा घुमा के आप देखो, ऑब्जर्व करो कि कितना एरिया बाहर की तरफ है कितना अंदर है। और एक जैसे किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए सिर्फ लाइन ही यूज़ किया जाता है ना, सब लाइन से ही बनता है ना। लाइन को सही एक वे में आप अरेंज करते हो तो वो कुछ एक शेप दिखने लगता है। इसी तरीके से 3D में ना सब कुछ पॉली से बनेगा, बस उस पॉली को या तो आप ऊपर करते हो या तो नीचे करते हो, दो ही मेथड है। ऊपर करेंगे तो उभार आएगा, नीचे करेंगे तो डेप्थ आएगा। तो जो भी सरफेस हम देखते हैं वो अप डाउन से बना है, बस आप उसको देखो, उस ऑब्जेक्ट को, वो जिस एरिया पे आप काम कर रहे हो वो कितना ऊपर की तरफ है कितना नीचे की तरफ है, बस ये देखना और अपने फोकस
पॉलीगॉन को उसके हिसाब से मैनेज करना है। रवि कौन याद कर रहा मोलंग। अच्छा होली आ गई, अभी भी रवि नहीं दिख रहा। थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं बस, अब इसको फिल कर देते हैं फटाफट। तो या तो आप इसको पकड़ लो डायरेक्ट, और यहाँ से एक्सट्रूड करके ले आते हैं, एक्सट्रूड यहाँ, फिर से एक्सट्रूड इधर, फिर से एक्सट्रूड। टू फेस फ्रंट व्यू ई डब्लू में रखा, ये भी सही जगह पे चला आया, इसको भी इधर ही रखते हैं। अब इनको पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा बाहर करते जाते हैं, या फिर ऐसा वर्टेक्स ही पकड़ लो। अब ये इससे मर्ज होने वाला है, ये इसके साथ मर्ज होने वाला है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। जी मार्च, अब ये पकड़ो, ये एक्सट्रूड, इसको ठीक कर लेते हैं। तो अभी वो लाइन मिल गया जो अंदर की तरफ जाने वाला था, फिर उसके बाद अब बिजी करना है बस। ये हो जाएगा ब्रिज, सॉरी मर्ज। अब ये इधर इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सामने सामने ये एज लगा देता हूँ और ये निकाल दूंगा मैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये मर्ज चाहिए पोजीशन, ये मेरा, अभी इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी लेके आऊंगा ना, ऐसा तो नहीं रहेगा वो ना, तो थोड़ा बहुत अभी वो मैनेज करना पड़ेगा अपने को। बेल्ट भी कर सकते हो फिर थोड़ा सा, अभी जैसे देखो अभी साइड से देखोगे तो ये ओवरलैप हो रहा है एकदम, हमने ऐसे क्रिएट पॉलीगॉन से बनाया तो एक ही लाइन दिखेगा, जबकि थोड़ा सा तो ऑफसेट होना चाहिए। बेल्ट भी अगर करके बना रहे हो फिर बाद में आपको थोड़ा सा उसको इधर उधर करना पड़ेगा, तो दोनों ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है कि, बस जरूरी ये है कि इसका टेस्ट जाना नहीं चाहिए, मतलब ये करेक्टर जो है वैसा ही दिखने, मतलब बनने के बाद वैसा ही दिखे, ये ट्राई करना है। अब यहाँ पे इसको एडिट एज फ्लो कर देते हैं,
ये इधर का पैक हो गया, बस ये करना है अभी, इसको कर देते हैं फिल, फिल होल। ऐसा कभी कभी आप लोग का भी हो जाता है ना, लेम्बर असाइन कर दिया करो उस पर उसका। तो पूरे को असाइन कर दो फिर से, उससे क्या रहेगा, सेडर कभी कभी कमांड इतना फटाफट होता है ना, वो समझ नहीं पाता है। मैक्स में तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते अपन नहीं, कि ऐसा कमांड देंगे और फटाफट वो रिएक्ट करेगा, वो पहले सेटल होता है। अच्छा ये करना है, आओ करते हैं ऐसा है। एडिट इज फ्लो, अभी ये इस जगह पे आ गया बराबर, अभी डिवाइड हो गया सब। अब इसको राइट साइड से फिर से एक्स टू डब्लू, यहाँ पे डब्लू, हाँ तो करो ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, डिफरेंस है तभी मैं उससे नहीं करता हूँ उसका ना पाइवट वगैरह का कभी कभी इधर उधर हो जाता है, थोड़ा फ्लो वगैरह भी उसमें क्या है, जब आप एक्सट्रूड करते हो ना, इसमें क्या मेरे को पता है, उसमें खींचोगे आप कहाँ से खींचो, इधर उधर से खींचो, या फिर थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हो सकता है, तरीका वो भी उसको आप मैनेज कर सकते हो, तो उससे करो कोई दिक्कत नहीं है। वो डाला इसलिए है कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट क्या होते हैं ना, मैक से स्विच होते हैं इसमें, तो उनको आदत पड़ी होती है सिर्फ ड्रैग करने के लिए, तो वो ये अब पहले ऐसा नहीं था, अभी अभी ये एक दो ये वर्जन पीछे से शायद ये शायद आया है 2020 से ऐसे कुछ से आया है, तो अभी मैक्स को भी माया के जैसे एक पूरे ऊपर एक टूल किट सेट करके दिया हुआ है, तो उसमें दोनों को ऐसा ट्राई कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं ऐसा पैरेलल रख के कि अगर कोई आर्टिस्ट इधर से उधर जाए या फिर उधर से इधर आए तो मैनेज कर ले उसको, तो वो भी तरीका है, उससे कर सकते हो, पर मतलब सुखी रहना चाहते हो तो इससे करो ठीक है, क्योंकि वो जो रास्ता हमेशा लाइफ में ना जो सिंपल और बहुत साफ सुथरा दिखता है वही एक्चुअल में दिक्कत देता है अपने को, तो कभी कभी उससे क्या होता है कि कभी कभी एक्सट्रूड होके वहीं पे रह भी जाता है, पर नहीं समझ पाते, सीट की आदत रहती है, फिर अपन धीरे धीरे चले गए आगे, बाद में जब यूवी खोलते हैं तो पता चलता है यार कि यहाँ पे ऐसा है, अब उस समय उसको करेक्ट करना बड़ा टफ हो जाता है, तो इसमें क्या है आपको एकदम कंक्रीट मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, बात खत्म, मतलब कोई ऐसा डाउट वाला कोई है ही नहीं वहां पे गुंजाइश। ये हो गया, अब इसको मिला देते हैं इसके साथ, एक और स्टेप लेके आ जाना सब थाम को एक्सट्रूड करके। चलो खैर इसको ना डायरेक्ट मैं फील करूं, नहीं फील नहीं होगा डायरेक्ट, पहले ये बना लेते हैं इसको यहां से यहां तक, प्रॉब्लम ये होने वाला है यहाँ से हम लेके आ रहे हैं ना, वो अपने पास ना है 1 2, और यहाँ पे 1 2 3 4, एक और यहीं कहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, तो अब आते हैं या तो एक निकाल सकते हैं इस पे से भी, एक ही कम कर लेते हैं और इसको एडिटेस फ्लो करके देखते हैं इधर आता है क्या, आ तो रहा है पर वैसा नहीं आ रहा जैसा हमको चाहिए। अब एक चीज
यहाँ पे ना बहुत सारा हिस्ट्री बनते जाता है। ये देखो अभी तक हमने एक बार भी डिलीट नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट एक बार यस कर लो, इसको फिर कंट्रोल शिफ्ट यस करो, और इसको मैं 3 कर देता हूँ। अब इसका हिस्ट्री डिलीट कर देंगे तो अभी फिर एकदम हल्का हो जाएगा ये। अब फिर से आगे चलते हैं, फिल होल मल्टी कट इंटर ये इसके साथ, और ये कहीं पे इधर जाने वाला है इंटर। इसको इसके साथ रखते हैं, और इसको इसके साथ एक एज है हमारे पास, तो इसको मैं लेके जाता हूँ सेम। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा ना सॉल्व करना रहेगा, तो आप यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लगे कि जगह ज़्यादा है वहाँ पे लेके जाओ, ऐसे ही यू टर्न मार दो ऐसे। उसके बाद इसको इससे ये बाहर की तरफ आएगा, साइड वाले व्यू से देख लेते हैं क्या। हाँ फ्रंट पोजीशन इसका ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, ठीक। चलिए बस ये लाइन सही कर लेते हैं। इस एज को एडिट एज फ्लो करो, ये आ गया इधर अपने जगह पे, इसको भी एडिट एज फ्लो। ये कभी कभी तो काम बहुत अच्छा बना देता है एडिट एज फ्लो, कभी कभी बिगाड़ भी देता है, तो उससे थोड़ा सावधान। एक्सट्रूड आर थोड़ा सा और कम कर ले क्या इसका एरिया, देखते हैं अगर इधर उधर करना रहेगा तो फिर करेंगे। एक्सट्रूड आर अंदर की तरफ, फिर से एक्सट्रूड और अंदर, फिर से एक्सट्रूड आर छोटा कर लो, फिर से इसको बाहर निकालेंगे। एक्सट्रूड बाहर निकालने से पहले ये ध्यान रखना है कि ये है रिस्ट का एरिया, तो रिस्ट का एरिया है तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आर्म आर्म है, तो ये सेंटर कहाँ पे आएगा वो एक एज फिक्स करना पड़ेगा आपको, कि यहाँ से यहाँ तक सेंटर होना चाहिए। अदुम्बर कौन आवाज कर रहा है, एक इधर एज एक इधर एज। थोड़ा थोड़ा अब और काम करने की जरूरत है, ये छोड़ दो अभी, देखो ये एकदम आना चाहिए ऐसा कुछ। इस एज को पकड़ता हूँ मैं आर, इसको बड़ा करके रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं गैप रखता हूँ यहाँ समझ लो, तो अगर कैमरा जब इधर जाएगा तो बहुत अजीब लगेगा, या तो फिर ब्लॉक लगेगा या फिर अजीब सा, क्योंकि फिर यहाँ दिखना चाहिए। तो वो इसलिए मैंने इसको क्या करके रखा हुआ है, ऐसा करके रखा हुआ है कैमरा इधर भी जाए तो जाता अपने को। ये एज कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इस एज को एडिट एज फ्लो करते हैं। थोड़ा सा एक्सट्रूड करने से पहले थोड़ा सा ये देखना था हमको कि प्रॉपर सर्कुलाइज हो जाता ये। खैर चलो एडिट एज फ्लो। तो मैं बात कर रहा था कि ये वो एरिया है जहां से आपका एल्बो का एरिया ना, नी वाला एरिया, तो ये ऐसा होना चाहिए, और ये कुछ थोड़ा सा
और ये आपका फिंगर वाला, पाम वाला एरिया है ये। अभी इधर आ जाते हैं, जैसा यहाँ किया ना हमने वही यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। एक्सट्रूड, फिर से एक्सट्रूड, आर थोड़ा सा अंदर की तरफ, फिर एक्सट्रूड, डब्लू फ्रंट, फिर से एक्सट्रूड। अब यहाँ पे थोड़ा सा, या तो एकदम वो जितना उसके वो पैर जितना पास पास में है वैसा रखो, फिर वो रिग करते समय थोड़ा सा वेट वेट पेंट करते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको लगता है चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो आप अपने हिसाब से इसका सेट कर सकते हैं, है ना। बस इसका वॉल्यूम प्रॉपर रहे। तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। मैं मूव कर दूंगा अभी इसको, ये हम मैंने पहले यहाँ से देख लिया उसका डायमेंशन क्या है, किस तरीके का है, और फिर उसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है। आप चाहो तो उसी पे कट टू कट उस पे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एज नहीं चाहिए अभी, हटाओ इसको। फ्रंट आर डब्लू, तो जैसा इसका लुक एंड फील है वैसा मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा हुआ। अब ये नी का एरिया है ना इसके, तो यहाँ पे एक एज होना चाहिए। एज तो बहुत अभी लगाना पड़ेगा फिलहाल, अभी ब्लॉकिंग के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। अब बच गया इसका पेंट, पेंट के तरफ अभी नहीं जाता हूँ मैं, इधर देख लेते हैं कहाँ पे पोजिशन रहेगा इसके बॉडी के। सी एकदम स्ट्रेट तो ऑलमोस्ट आसपास ही हैं हम, पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। आर प्रेस करो, अब इसको डायरेक्ट ऐसा स्केल करना है, इसको आगे पीछे यहाँ से करना है। स्केलिंग ऐसा एक्सेस वाइज पे नहीं करना ना, ऐसे करना है ताकि उसका जो स्पेयर वाला सर्कल वाला जो है लुक एंड फील इधर उधर ना हो। आप ऐसा इसको रख दें, आर डब्लू आर, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा भी ये जो सूट है ना इसका, ये अब एकदम प्रॉपर साइड व्यू नहीं है। डाउनलोड कर लेते हैं, चलो मैं ना कुछ देखता हूँ को कम कर लेते हैं कुछ इतना, और इस एज को पकड़ता हूँ मैं और इसको। एज नहीं निकालते हैं, एज को रहने दो, डायरेक्ट स्केल कर लेते हैं इसे। फ्रंट राइट साइड, ये इतना एरिया, आर प्रेस करो, डिलीट
ये भी हटाओ। राइट साइड, ये मैंने बनाया अभी, जो मैंने बनाया ना ये है वो ऐप। अब इसमें और क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, आते हैं ऊपर टॉप व्यू पे ऐप। इस एज को, वर्टेक्स को पकड़ो आर, इसको और इस तरीके से सामने की तरफ ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा आर प्रेस करते हैं और लंबा करते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ और राउंड हो जाएगा, तो इसको ऐसा राउंड रखो इस तरीके से कुछ। कुछ बोल रहे हो प्रथमेश? ये बेस है अभी, ऊपर मेन तो उतना ज्यादा ही नीचे दिखेगा नहीं, बस ये इस पे फोकस रखो। लुक एंड फील अभी अपने को, क्योंकि अभी ये पर्सपेक्टिव वाली बात आ गई ना, तो थोड़ा सा लुक एंड फील हमको समझना पड़ेगा कि किसको कहाँ पे रखना है। ये एरिया मेरे को लगता है ना कि इसको हम हटा दें तो अपना लूप एकदम सही रहेगा। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, फिर इसको आमने सामने जोड़ देंगे फील। और नीचे को, पूरे को ये लूप बोल रहा, पूरा हटा दूं? नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि अभी आप सिर्फ मॉडल देख रहे हो ना, मैं वो देख रहा हूँ कि विक करते समय प्रॉब्लम ना हो। लुक एंड फील बस नहीं करना है मेरे को, अपने को मॉडल भी करना है ऐसा कि जब आप उसको चलाना चाहें तो रिग होके चल जाए, ऐसा ना हो कि बस बन गया हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे अब हम प्रस्पेक्टिव में ही मॉडल कर रहे हैं। मैं वो शू को देखता हूँ, शूज को उसके देखता हूँ, और बार बार देखूंगा, बार बार उसको इम्प्लीमेंट करूंगा अपने मॉडल में। ब्रिज तो सबसे पहले ये जो एरिया ना कैप जैसा है उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एक एज और चाहिए, और इसको भी अंदर कर लो। यहां से यहां तक एक्सट्रूड थिक अंदर की तरफ, वर्टेक्स इसको इसके साथ मर्ज कर देना, ये हो जाएगा मर्ज, और इधर भी मर्ज। जी रिपीट कमांड फिल, अब इसको फिर से फिल करना है। एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे एज चाहिए, ये इसके साथ आ जाएगा, ये तो एकदम सही है कि ये इससे ब्रिज हो जाएगा, ये इसके साथ ब्रिज हो जाएगा। ब्रिज डिविजन्स बढ़ा लो, नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा तो सस्ता वाला रखेंगे इसको, ज़्यादा महंगा भी नहीं चाहिए। मगर लगाना पड़ जाएगा, तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा अपना मॉडल। ये हो गया, अब इसको कर देते हैं डायरेक्ट फील, फील होल, और इसको भी जी फील होल मल्टी कट। आप चाहो तो इसको इधर लेके आ सकते हो, चाहो तो आप इधर भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। एक स्टेप तो मैं रखता ही हूँ इधर, इधर लेके आए हैं इसको, डायरेक्ट इससे कर दें तो फील नहीं आएगा प्रॉपर। ठीक है चलो,
राउंड वाला फील चाहिए हमको ना, तो वो राउंड जो फ्लो प्रॉपर रखेंगे तभी आएगा, अदरवाइज फिर इधर उधर हो जाएगा। इसको इधर रख लेते हैं, इसको लेके आते हैं इधर। अब ये इस पे एक आप रख लो, तो ये दोनों तरफ आ गया टॉप व्यू। अब ये जो डेंट दिख रहा है, ये डेंट जाना चाहिए एडिट एस फ्लो। मल्टी कट नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? आ रही होगी तो भी नहीं बताओगे आप लोग। बोल दो सर आप बिजी रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ देख रहे संभाल लेंगे। अपने अपने हिसाब से चल रहा सबका। खैर तो अभी मैंने क्या किया, ये ऊपर का बना दिया, अब क्या चाहिए ये अंदर का। तो यहाँ से एक ऐसा होना चाहिए, और वो कहाँ से निकल के आएगा, इधर कहीं से निकल के आना चाहिए। तो इसको पकड़ते हैं, ये X2W, इसको फिर से मैं अंदर की तरफ लेके आता हूँ थोड़ा सा। X2 इस तरीके से, फिर से X2 थोड़ा सा नीचे, ताकि ओवरलैप ना हो एज, बस राइट साइड। ये देख रहा हूँ मैं कि ये कितना यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, उसके हिसाब से हमको सेट करना है। तो पकड़ते हैं इसको, यहाँ से B प्रेस कर रहा हूँ, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर और ऐसा कुछ रखते हैं B। अब ये जाएगा ऊपर, एक्सट्रूड सिट इधर, एज एक्सट्रूड, इसको मत देखना आप, ये वॉल्यूम देखना है। ये जो बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, क्या ये वही बन रहा है जो हम बनाना चाहते थे, या फिर कुछ दूसरा बन रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं, क्योंकि इसके आसपास ही है, तो इधर रख देते हैं। अब ये बनाना है हमको, तो फिर से इसका साइड वाला एरिया, इसको पकड़ पकड़ के लेके चलते हैं हम। तो सबसे पहले तो ये सबको पकड़ो, सॉरी सबको नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सट्रूड, ठीक, ये इसके साथ मर्ज हो गया, ये इसके साथ, ये फ्लो अपना सही हो गया। अब लेके आएंगे इसके ऊपर राइट साइड एक्सट्रूड। थोड़ा सा स्केलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा ना कि ये थोड़ा छोटा हो रहा, लग नहीं रहा सच में छोटा ही हो रहा। ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ऐसा कुछ, पर उससे पहले हमको क्या करना है, इन सबको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ तक रख लेते हैं। फिर वही इतिहास दोहराना है अपने को, क्या कि इधर से जाएगा इधर तक। तो इसको पकड़ो, X2W लेके आओ यहाँ, एक होल्ड दे दो, रन है, समझ में आ रहा? अब ये कहाँ चला जाएगा, इधर आगे की तरफ, जैसा लेस कहाँ पे जैसे लगाते हैं लेस का एरिया, वो एरिया में बना रहा हूँ। ये इधर आ जाए, तो ये आ जाएगा राइट साइड यहाँ पे कहीं, और ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं। अब क्या हो गया, इस एज को बाहर निकालना है। ये किससे मर्ज होने वाला है, इससे आके मर्ज होने वाला है। ये किसके साथ आएगा, इधर कहीं पे एज चाहिए। अभी जब आप टेस्ट देने जाओगे ना, तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा आपको, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। आपको वहाँ पे देखना है आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा,
उसको देखो और स्कैन करो, और फिर इसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। अब एक चीज और है, अभी इसको लेके जाएं तो बच जाएं कहाँ, या तो ऐसा यहाँ तक लेके आओ, इससे मिला भी सकते हैं क्योंकि अंदर दिख नहीं रहा, तो काम करते हैं ब्रिज कर देते हैं इसको, हालांकि करना नहीं चाहिए पर मैं कर दिया। इसको बाहर की तरफ ऐसा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड W नीचे की तरफ R, थोड़ा सा ऐसा करके रखो ताकि ब्रिज व्रिज करने में आसानी हो हमको। ये तो कहीं नहीं जा रहा, ये जहाँ पे भी जाएगा ये जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा या फिर जिधर भी जाएगा इसको ही लेके जाना है। इसको मर्ज कर दिया। अब इसके ऊपर दो, यहाँ से यहाँ ऐसा लगा हुआ टैब, अब ये ऊपर की तरफ आएगा तब इसको हम लगा पाएंगे, तो अपना जो मॉडल अभी बन रहा है वो बहुत गलत बन रहा है। होना कैसे चाहिए, ऊपर की तरफ आएगा, जब ऊपर आएगा तभी हम इसको इसको पकड़ो, बाहर करो इसको। इसको पकड़ते हैं, इसको इधर रखता हूँ, एक केज इधर, इसको रोटेट करके ऐसे रख लेते हैं, बेवल कर ही लेते हैं ना, क्योंकि एज तो चाहिए ही, यहाँ पे बिना एज के नहीं हो पाएगा। ऊपर रख देता हूँ मैं वर्टेक्स, अभी सही है, ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ अंदर की तरफ। अब इसके ऊपर हम वो बना देंगे क्या, वाइट वाइट कलर का जो स्ट्रिप जैसा है ना, वो बना देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये सेमेट्री है तो इसको अगर लगे आधा ही बनाना है तो आधा ही बना के आधा ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, 50% बना दो इसको। तो फिर आते हैं और आगे। बैठने का ना स्ट्रेंथ अच्छा करके रखो, क्योंकि जहां जाओगे आप जिस जगह पे ना, वहाँ पे 4-6 घंटे से पहले हिलना नहीं रहता है, कम से कम एक बार बैठो तो 3 घंटे 4 घंटे एकदम कंटिन्यूअस बैठ के काम करना रहता है। अगर आप बार बार इधर उधर करोगे ना तो वो सब नोटिस करते रहते हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन पता कहाँ आता है, जब इंक्रीमेंट का टाइम आएगा ना पूछते हैं ये कितना हिला था तो प्रोडक्शन वाला बताएगा ये कहाँ बैठता है, कहाँ अपने जगह पे वो इधर उधर करते रहता है। फिर लीड से पूछेंगे कितना बढ़ा दें, बोले इसका क्या बढ़ाओगे सर, रहने दो, इतने में करेगा तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएगा, दूसरा ले आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले तो आपका इस सीटिंग स्ट्रेंथ ना अच्छा होना चाहिए कि आप एक बार बैठते हो तो 3 घंटे 4 घंटे काम कर सकते हो बैठ के, ऐसा नहीं बैठे नहीं कि तुरंत थोड़ा चाय पी के आते हैं।
या फिर थोड़ा टहल के आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा।